दोस्तों, अगर हमें अपनी फाइल को सेफ रखना है, सिक्योर रखना है, डिलीट होने से बचाना है, तो हम क्या करते हैं? गूगल ड्राइव पे सेव करते हैं ऑब्वियसली। वहाँ पर अपनी फाइलों को वहाँ पर ले जाके सबमिट कर देते हैं, वहाँ पे सेव कर देते हैं ताकि कभी भी डिलीट ना हो। बट कई बार क्या होता है, गूगल ड्राइव से भी फाइल डिलीट हो जाती है, कईयों के ट्रेस में चले जाते हैं, वापस रिकवर कर लेते हैं, कईयों के तो परमानेंटली डिलीट हो जाते हैं। अब क्या करें भाई? मैंने तो अपनी फाइल को सेफ रखने के लिए गूगल ड्राइव पर सेव की और वहीं से डिलीट हो गई, तो अब मैं क्या करूँ? तो भाई देखो, इसका भी उपाय है ना। आज से कुछ दिन पहले, मतलब जब लॉकडाउन नहीं था, तब गूगल ड्राइव पे एक ऑप्शन था कि अगर हमारी फाइल डिलीट हो जाती है तो हम वहाँ पे सीधे उनकी जो कंपनी के जो बंदे होते हैं वो सीधे बैठ रहे थे, उनसे हम चैट करके अपनी फाइल के लिए वापस के लिए रिकवरी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते थे। बट अभी ये सिस्टम बंद कर दिया, अभी हमें क्या करना पड़ता है, ईमेल करना पड़ता है बंदों को, और वापस ईमेल से हमें वापस उनका रिप्लाई आता है कि भाई आपकी कौन सी फाइल है, आपको चाहिए या नहीं चाहिए ये वो, मतलब वो कुछ पूछते हैं तो आपको वापस उनका जवाब देना पड़ता है। तो पहले तो क्या होता था कि हम कॉन्टैक्ट अस पे जाके वहाँ पर जाके हम ऑटोमेटिक जो उनका चैट बॉक्स होता है उनको ओपन करके उनको मेल कर देते थे कि भाई हमारा डेटा डिलीट हो गया, प्लीज़ हमें हमारा डेटा वापस कर दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बट आजकल ये सिस्टम बंद कर दिया है, तो आज हम जानेंगे कि भाई किस तरह से हम गूगल ड्राइव वालों को मेल कर सकते हैं कि हमारी फाइल जो मिसिंग है, जो डिलीट हो गई है परमानेंटली गलती से, तो वो हमें वापस चाहिए और इसके लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो वो मेल कैसे करते हैं, तो वो आज के इस वीडियो में बताएंगे, जिससे आपका डेटा, पूरा डेटा वापस रिकवर हो जाएगा। आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं आपने गलती से डिलीट कर दिया तो वो आपको मिल जाएगी। बट दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि आपकी फाइल अगर रिसाइकिल बिन वगैरह में पड़ी है, तो एक बार चेक कर लो गूगल ड्राइव पे जाके, वहाँ पर आपको ट्रेस का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर जाओगे तो क्या पता आपने परमानेंटली डिलीट नहीं की हो, आपके ट्रेस में पड़ी हो, तो अगर वहाँ पे है तो रिकवर कर लो यार। कई लोगों को नहीं पता ट्रेस के बारे में, तो वहाँ पे जाके एक बार देख लो। उसके बाद अगर नहीं हो रही है, तो मैं जो मेथड बता रहा हूँ, इस मेथड के माध्यम से आपकी जितनी भी डिलीटेड फाइल है वो रिकवर हो जाएगी। इसके लिए आपको एक मेल करना होगा, तो वो मेल क्या है करते हैं, बस यही बताने जा रहा हूँ। तो भाई नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और मिस्टर जेपी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गूगल ड्राइव से फोटो बैकअप करने के लिए हमें गूगल ड्राइव ओपन करके वहाँ पर हमें मेल लिखना पड़ेगा, कंप्लेन करनी पड़ेगी। तो गूगल ड्राइव को ओपन करना, थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे हेल्प एंड फीडबैक वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ पर हमारे सामने एक कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिल रहा है। ओके गाइज, कॉन्टैक्ट अस वाले पे क्लिक करो। देन यहाँ पर आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा कि भाई आपको क्या दिक्कत है, भाई क्या परेशानी है, क्यों परेशान कर रहे हो। तो यहाँ पर हमें लिखना है भाई आई वॉन्ट टू रीस्टोर माई, मतलब कुछ भी लिख देना, मतलब मेरी तो इंग्लिश अब अच्छी नहीं है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है तो आप यहाँ पे कोई अच्छा सा सेंटेंस लिख देना, है ना। तो यहाँ पर मैं तो फोटोज लिख रहा हूँ, तो नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ गया ऑप्शन। तो भाई मेरी फ़ोटो परमानेंटली डिलीट हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करूँगा। यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा कि भाई सच में आपकी फ़ोटो डिलीट हो गई, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करके यहाँ पर आपको सामने एक नीचे ऑप्शन मिलेगा ईमेल का, है ना। आपको यहाँ पे ईमेल वाले पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा, है ना। पहले तो मैं यहाँ से पढ़ के बता दूँ, है ना। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आपको अगर रिकवर करनी है तो आपको ईमेल वाले पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ईमेल भेजनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये बताएगा कि आप पहले जाके ट्रेस पे क्लिक करो, ये करो वो करो, घंटा फंटा। तो हम कह देंगे भाई नहीं, हमने पहले ही सारी मतलब कोशिशें कर ली है और हमें कोई भी मतलब वो नहीं मिला है, तो अब हमें ईमेल करना है। तो आपको यहाँ पर ईमेल वाले पे और एक बार और क्लिक करना है और यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, क्लिक वो वाले पे। तो यहाँ पे अगर नहीं हो दोस्तों, आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है, अगर हो तो ठीक है, वरना अगर नहीं हो तो आपको यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर वाला, इस पर क्लिक करना है कि भाई मैं बंदा हूँ और मुझे मेरी जो वापस चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, जो भी आपने ईमेल आईडी में लगा रखा है। तो मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ, है ना, आप अपना नाम डाल देना कुछ भी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई मेरे मुझे क्या दिक्कत आ रही है। तो आपको जो फाइल नहीं मिल रही है तो आप कैंट माई गूगल फोटोज कर दो, अगर आपको कोई और डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा तो आप उस हिसाब से चूज़ कर लो, अदर भी चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि भाई क्या दिक्कत आ रही है आपको, तो यहाँ पर ऐसे लिख दो आई वॉन्ट टू रिस्टोर माई, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो ना, मेरी तो इतनी इंग्लिश आती है तो मैं तो भाई यही लिखूँगा, है ना। तो माई डिलीटेड फोटोज, तो इस तरह से आप यहाँ पे लिखो। यहाँ पर आप अपना कुछ भी कोई भी कुछ भी लिखना चाहते हो, जितनी बड़ी कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट थी ये वो, मैं बहुत दुखियारा जीव हूँ, मुझे चाहिए वापस वरना मेरा घर तबाह हो जाएगा, यहाँ से फिर सबमिट कर देना है। आपकी ईमेल उनके पास पहुँच चुकी है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारी जो टीम है वो ड्यू टू COVID-19 के कारण अभी कम है, इसलिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हम आपके आपको रिप्लाई जल्दी नहीं कर पाएंगे, बट हम कोशिश करेंगे आपको जल्दी ही रिप्लाई करने का। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर ईमेल आईडी हाथों हाथ आपको एक वापस मेल मिल जाएगा इस तरह का। देखो आपका
कॉन्टैक्ट है वो गूगल ड्राइव के साथ हो चुका है। अब गूगल ड्राइव टीम आपको जल्द ही ईमेल भेजेगी। ईमेल भेजने के बाद आपको लिंक मिल जाएगी या तो, या फिर वहाँ या वहीं से आपको आपकी फ़ोटो वापस जो भी आपने मतलब कंप्लेंट किया है उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो इस तरह से आप गूगल ड्राइव को मेल भेज के फोटोज़ को रिकवर कर सकते हो। इस तरह से आप गूगल ड्राइव वालों को मेल कर सकते हो। जैसे ही आप उनको मेल कर देते हो तो उनका रिप्लाई आता है, और रिप्लाई में या तो आपको एक लिंक मिलती है जिस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर वही चैट ओपन हो जाता है, चैट बॉक्स ओपन हो जाता है और वहाँ पर आपको अपनी समस्या बतानी पड़ती है। या फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपको कितने दिन की फाइल चाहिए या फिर कैसी फाइल थी, आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। वो एक बार तो ऐसे कहेंगे नहीं मिलेगी, आपको रिप्लाई वापस करना है, उनको ईमेल से ही वापस रिप्लाई करना है कि ना भाई मुझे मेरी फाइल चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपनी फाइल चाहिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना गूगल ड्राइव बंद कर दूंगा। तो जैसे ही आप उनको ऐसा मेल करोगे तो भाई वो कहेंगे सॉरी सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे करके उनका वापस मेल आ जाएगा कि हाँ भाई हम आपके 60 दिन में मतलब 60 या तो घंटों में या फिर 60 दिन में 48 आवर में, बहुत टाइम तो भाई कितना ले सकते हैं, आपको सारी फाइल जितनी आपकी फाइल थी वो वापस भेज दी जाएगी। तो ऐसे करके उनका वापस मेल आ जाएगा। तो इस तरह से आप गूगल ड्राइव को मेल भेजो, भेज के अपने सारी जितनी भी डेटा है तो सारा रिकवर कर लो। तो गूगल ड्राइव से अगर कोई चीज़ डिलीट हो गई है तो आई होप इस सॉल्यूशन से आपकी वो जो जितनी भी दिक्कत है, जितनी भी फाइल है वो सारी आपको मिल जाए। आई होप अगर इससे भी कोई काम नहीं बनता है, कई लोगों के हो सकता है नहीं बन रहा हो, तो भाई नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई नहीं हो रहा कुछ, क्या बता रहा है तू, कुछ भी नहीं हो रहा, कमेंट सेक्शन में बताओ ना यार, बस गुस्सा ठंडा ना करें, प्रॉब्लम आ रही है वो बताइए, है ना। इस पर भी एक वीडियो और बनाया जाएगा, और बाकी सीरीज़ के जो वीडियो है वो आगे आते रहेंगे। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।